आशिक पिछे निर्दयी मां ने छड़ी मासूम बच्ची, मंदिर च छड़ आशिक नाल हुई फरार। चार दिन मंदिर च भटकती रही मासूम, प्रसाद खा के भरती रही अपना ढिड। एक पासे जिथे नरात्या च निक्कियां निक्कियां कंजकां नूं देवी दी तरह पूजिया जा रहा है, तां दूजे पासे निर्दयी मां ने अपने आशिक लई अपनी ही मासूम बच्ची नूं छड़ दिता है। कलयुगी मां ने अपनी 6 साल की मासूम बच्ची नूं मंदिर च छड़ दिता ते खुद अपने आशिक नाल फरार हो गई। होर तां होर ए मासूम बच्ची 4 दिन तक मंदिर च भटकती रही ते प्रसाद खा के अपना ढिड भरती रही। ना तां इस ते मंदिर दी कमेटी दी नजर पई ते ना ही किसी होर दी। गश्त करदी पुलिस दी टीम ने जदों इस बच्ची नूं देखिया तां फिर पता लग्या कि बच्ची 4 दिन तों इसे तरह मंदिर च भटक रही है। जदों बच्ची नूं पुछया गया तां उसने दस्या है कि उसदी मां उस नाल कुटमार करदी सी ते हुण उसनूं छड्ड के चली गई है। पुलिस दे वल्लों किसे तरह करके बच्ची दी नानी दे घर दा पता लगाया गया ते बच्ची नूं परिवार नाल मिलाया गया। इस मासूम बच्ची दे नाल कुछ भी हो सकता सी, जिसकी परवाह ना तो इसकी माँ ने की थी, ना ही किसी होर ने। जेकर पुलिस की भी नजर ना पैंदी तो होर किन्ने दिन बच्ची इस तरह रहिंदी, ये काफी बड़े सवाल ने। फिलहाल बच्ची की काउंसलिंग की जा रही है ते पता लगाया जा रहा है कि उसकी माँ कित्थे है। ये मामला पानीपत तो सामने आया है। पानीपत के विच ही एक कलयुगी माँ दे वल्लों अपनी 6 साल की मासूम बच्ची जो कि LKG च पढ़ती है उसनु मंदिर च छड़ के खुद अपने आशिक दे नाल फरार हो गई ते बच्ची 4 दिन तक मंदिर च ही रही ते प्रसाद खा के अपना ढिड भरती रही। कल मैं और मेरी बेटी देवी मंदिर में हम घूमने गए थे, वहाँ मेला लगा हुआ है, तो वहाँ ये बच्ची हमें रोती हुई मिली। ये हमारे से पानी मांग रही थी, तो मेरी बेटी ने पूछा उससे भी, बेटा आपकी मम्मा कहाँ हैं? तो बोलती है कि मेरी मम्मा तो मेरे को यहाँ छोड़कर कि ये बोलकर कि दवाई लेने जा रही हूँ, वो किसी के साथ चली गई है। तो मेरे हमने बोला कि आप हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ चलोगे। हमें रात के 12:30 बजे का टाइम था, 12:15 का, तो हमने वहाँ इसको छोड़ना सेफ नहीं समझा। तो लेकिन मैं थाने में आना चाहती थी, लेकिन टाइम ज़्यादा था तो मैं नहीं आई। और पुलिस का तो देख लो जी, सुबह से अगर दीदी के साथ है तब नहीं आ रही, तो मैं फ़ोन करती तो कौन आता, ठीक है? तो इसलिए फिर मैंने रात को ही दीदी को कॉल किया कि दी ऐसे ऐसे एक लड़की मिली, तो दीदी बोला कि आप रखो रात को, सुबह फिर चलते हैं थाने, देखते हैं जो भी होता है। तो सुबह फिर मैंने दीदी को कॉल किया, बाकी सब दीदी ने आपको बता ही दिया जो उन्होंने कार्रवाई की। बच्ची अच्छे से बोलती है, बताती है एड्रेस वगैरह? हाँ जी हाँ, बोलती सब कुछ है और एड्रेस भी बताती है, अपने दादा का नाम, सबका नाम बताया उसने मुझे, एड्रेस भी अब उसी ने बताया हमें। अपने घर का मिली तो क्या घबराई हुई थी, किस तरीके, क्या हालात थे? मतलब बिल्कुल गंदी हालत में थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि 5-6 दिनों से यहीं पे है। फिर मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा वहाँ पर, जो वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि हम 26 तारीख से कंटिन्यू इस लड़की को यहाँ पर देख रहे हैं, और हमें नहीं पता इसकी मम्मा कहाँ हैं या इसके फैमिली वाले कहाँ हैं, पर हम कंटिन्यू इसको यहीं पर देख रहे हैं। पुलिस का क्या रवैया रहा इस पूरे मामले में? पुलिस का रवैया, सुबह से कॉल कर रहे हैं तो अभी तक तो कोई आया नहीं था, तो फिर दीदी और मैं खुद लड़की को लेकर थाने में आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू गोस्वामी है और मैं अंसल में रहती हूँ। देवी मंदिर में एक बच्ची मिली है 6-7 साल की, और कई दिन से पता चला कि कई दिन से ये वहीं खा रही थी, वहीं सो रही थी, वहीं रह रही थी। आपको पता है इतना भीड़ भड़ा का वाला इलाका है, और नवरात्रे चले हुए हैं, इतनी भीड़ है, पुलिस भी वहाँ होती है, और उसके बावजूद भी ये किसी के ने बच्ची को नहीं देखा वहाँ पर, कई दिन से वहाँ रह रही थी या सो रही थी। पुलिस ने इसका संज्ञान लेना चाहिए था। रात को 12-1 बजे की ये बच्ची मिली है किसी को, और उसने मेरे को कॉल किया। उसी टाइम मैंने कई SHO के नंबर पर मैसेज भेजा है कि बच्ची मिली है, किसी की हो तो बता देना। सुबह 9 बजे मुझे पता लगा, लड़की ने बताया कि मेरा जो घर है वो भोड़ा चौक पे है, तो तहसील कैंप का एरिया लगता है। मैंने तहसील कैंप थाने में फ़ोन किया था उसी टाइम पे, SHO से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं लड़की का घर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और आप पुलिस को भेज देना। उसके बाद मैं खुद वहाँ गई हूँ इसके घर, लड़की की नानी का घर मुझे मिला, माता पिता का नहीं मिला, नानी का घर मिला। वहाँ से पूरा पता लगा है कि भाई बच्ची की माँ वो किसी और के साथ भाग गई थी, और इसके जो पिता है वो वहीं 4 नंबर गली में हरि सिंह चौक पर रहते हैं। 9 बजे से इनके संज्ञान में है पुलिस के, मैं अभी तक कुछ नहीं किया। 1.5-2 घंटा मैं वहाँ पे भोड़ा चौक पे बैठी रही, वहाँ फ़ोन पे बात करती रही, और इससे जो यहाँ पे मुंशी है उससे भी मेरी बात हुई। उसके बाद एक पुलिस वाले का फ़ोन गया कि कहाँ हो आप, मैं यहाँ हूँ, आप आ जाओ एक बार, बहुत गंभीर मामला है बच्ची का, ऐसे ऐसे। तो ये पुलिस नहीं पहुँची, और 1.5-2 घंटा बाट देख के मैं खुद थाने में आई हूँ। आके मैंने बोला कि भाई जब ऐसे ऐसे बच्ची का मामला था और मैंने फ़ोन कर रखा था, आप क्यों नहीं आए? तो ये कह रहे हैं जी आपने 112 पे कॉल करना चाहिए था, जब SHO के संज्ञान में डाल रखा तो 112 की क्या कसर थी? क्योंकि 112 का मतलब क्या होता है, 112 लेके भी थाने में ही आती, लेकिन मेन मतलब मेरा ये था कि भाई वहीं नानी रहती है, वहीं माता पिता रहते हैं,
अगर कोई ऐसी बात थी तो वहीं उनको बुला के उनको समझा के जो भी था, क्योंकि मैं उस परिवार से नहीं मिल सकती थी जब पता लग गया कि वो शराबी टाइप के व्यक्ति हैं। हो सकता है मैं उनके घर जाती तो मेरे साथ भी कोई हादसा कर देते या मारपीट करते, तो इसी वजह से फिर मैं लड़की बच्ची को लेकर यहाँ आई हूँ। लेकिन असंतोष जवाब है कि पुलिस वाले कह रहे हैं जी आपने 112 पे कॉल करना चाहिए था। बच्ची के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है? देखो बिल्कुल हो सकती है, आपको पता है कि सैकड़ों बच्चों के साथ, जब से हमें तो 9 साल से समाज सेवा में आई हूँ, सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे बच्चियों के साथ ये अनहोनी हुई है। कहीं बच्चियों को के साथ दुराचार करके उनको मार भी दिया गया है, और इसी डर के कारण और इसी के कारण मैं बच्ची को लेके यहाँ पे पहुँची हूँ कि बच्ची सेफ रहे। और मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस इसकी तफ्तीश करे, और अगर बच्ची के कोई रहने का ठिकाना नहीं है कि माँ भी चली गई, अर्पिता शराबी है, या कोई भी परिवार में इस तरीके का व्यक्ति नहीं है, तो इसको बाल गृह में भेजा जाए।